हेलो। तो गाइस, हमको इधर से एक कॉल आया था हमारे मोहल्ले में, तो हम निकल पड़े हैं रेस्क्यू करने। तो हम पहुंच गए उनकी गली के पास। बोल रहे थे सांप निकला है, ईंटों में घुसा हुआ, तो हम निकाल रहे हैं अब। तो देख सकते हैं कौन सा सांप है कौन सा नहीं, अभी देखेंगे निकाल के। इनको भी पता नहीं कौन सा सांप है। बोलते इधर लड़का था कोई, तो उसने भी इसको खींचा था, जे बाहर निकला था थोड़ा सा। जब जे घुस जाता है अंदर तो काम ही, जितना मर्जी जोर लगाओ, सांप में बड़ा दम होता है, मतलब बहुत ही जोर ज़्यादा होता है, ये खींच के भी खींचा नहीं जाता है। देखते हैं अब निकालते हैं इसको, कौन सा सांप है। मतलब ये बहुत ही रिस्की काम होता है, बिना जानकारी के इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए इस काम को। पता है तो तभी पकड़ो, नहीं तो नहीं पकड़ो। ये स्टिक की तो जरूरत ही नहीं पड़नी है, ये ऐसे पकड़ लूँगा। मैंने देख लिया, थामन सांप है, इसको हम बैंस बोलते हैं डोगरी में। इसको मतलब धागा भी लगा हुआ है, जो चाइनीज डोर नहीं होती, गट्टू बोलते हैं जिसको, पतंग उड़ाते हैं वो, है ना, वो वाला धागा। इसको मतलब इसको काट ही दिया, दिख रहा है सामने, मतलब बुरी हालत लग रही है मेरे को इसको। देखते हैं बाहर निकाल के कितना है खराब, मतलब कितना काटा हुआ है इसको। ये बहुत ही ख़राब काम होता है, गंदा काम है ये। देखो मैंने निकाल लिया है बाहर, अभी निकालता हूँ, मतलब इसको खींच के थोड़ी आराम से निकालूंगा इसको, नहीं तो ये लगने का खतरा है इसको। आगे इसको बेचारे को लगी कितनी सारी, मैंने निकाल लिया। ये बिना जहर का वाला सांप है, इसको हम बैंस बोलते हैं डोगरी में, तो ऐसे थामन बोलते हैं। अलग अलग देशों के अलग अलग नाम होते हैं ये, मगर ये बहुत ही शांत सांप होता है, काटता नहीं, मगर बचाव तो करता है, एकदम से कूद के पड़ता है, मतलब काटने को आता है, एकदम से अटैक करता है ये। देखो ये सांप है, ये बंदे बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं इधर, ऐसे भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे। ये मैंने ऐसे ही पकड़ा है बिना उसके स्टिक के, बिना, ये देखो काटने के हमला कर रहा है, तो मैं ऐसे ही पकड़ लूँगा आराम से। मतलब इसको, मेरे को जानकारी है तो इसलिए मैं पकड़ता हूँ, मैं तो बचाने का काम करता हूँ। तो इसको धागा है ना, ये अंदर घुस गया पूरा, इसके अंदर नीचे से पेड़ ही फट गया इसका। ऊपर तो उसको हड्डी जो हड्डी होती है, मतलब जैसे मछली होती है ना, वैसे सेम सीन होता है इसका। ऊपर है ना, मतलब इसको हड्डी होती है, नीचे कोई नहीं, मतलब ये देख सकते हो आप, मांस चमड़ी चमड़ी होती है इसके दामन अंदर, दामन मतलब इतनी मोटी नहीं होती, मतलब इधर से ही कर रेंगता लेते है। हैं देखो यार, उसने पार्टी कर दी इधर से, अभी मैं घर लेके आऊँगा इसको, तो दवाई शवाई लगाऊंगा इसको। इसने पार्टी कर दी इधर, ये कम से कम 6 साढ़े 6 फुट लंबा है जी, मेरे से ये तो लंबा है काफ़ी, 2 फुट लंबा है मेरे से। ये मैं घर में लाया हूँ अभी इसको, इसको घर में लाया, अभी देखेंगे इसको, दवाई भी घर लगाएंगे जी, है ना। इसको धागा लगा, धागा काटेंगे पहले। मेरा सामान सारा अंदर मेरे कमरे में पड़ा हुआ है, जी मैंने चिमटी ली है, इसको मैं अंदर धागे को फंसा रहा हूँ थोड़ा सा, धीरे धीरे मैं कट मारूंगा धागे को तो काट दूंगा। जे चाइनीज धागा मत यूज करिए, जो बहुत ही खतरनाक है, इसके साथ मतलब जानवर मर जाते हैं, फंस जाते हैं बेचारे, तड़प तड़प के मर जाते हैं। ये यह धागा, ये फंसा हुआ था, देख सकते हो, ये पूरा अंदर जाने की पेड़ को काट ही दिया इसने, देख सकते हो कितना पेड़ फट गया इसका। अभी मैं दिखाऊंगा धागा, ये धागा था, इतना टाइट हो गया था कहने की बात नहीं। देखो उसने मेरे को बाल मार लिए, ये भी ठीक है, मेरे आराम से दवाई लगा सकता हूँ जी, कितने बाल मारे, मतलब इसने इतने ज़ोर से मेरे को झगड़ा हुआ ना, मेरी ब्लडिंग इसने और रोक दी, इतने ज़ोर है इसके अंदर। देखो कितना कट गया इधर से, मेरा कैमरामैन दूर बैठा हुआ है फिर भी दिखा रहा है, मतलब ये 2 हफ्ते हो गए इसको ऐसे ही घूमते हुए, मतलब मेरे को लगता है 2 हफ्ते हो गए इसको।
तो धागा पूरा अंदर घुस गया था इसके पेट के, ऊपर थोड़ा ही मतलब कटा, नीचे से पूरा ही कट गया। अब मैं इसको साफ करूँगा, मतलब इसको मैं ट्रीटमेंट करूँगा अभी इसका। जी मैंने लिया ट्रोजन लिया, इसको ट्रोजन बोलते हैं, इसको जख्म जुख्म साफ करने के लिए। तो स्प्रिट भी यूज़ करते हैं, मैं स्प्रिट नहीं यूज़ करता हूँ, स्प्रिट बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। और उस पर बैन लगा था पहले, बोलते हैं ताजे जख्म पे कभी नहीं स्प्रिट यूज करना चाहिए, ये ट्रोजन है मतलब जख्म जुख्म साफ करने के लिए। तो अभी इसको मैं दवाई शवाई करूँगा, साफ सूफ करूँगा इसको पहले अच्छी तरह से, देख रहा हूँ इसको कोई कीड़ा कूड़ा मतलब कीड़े ना ऊपर पड़ गए हों, कई बार कीड़े ही पड़ जाते हैं सांपों को भी। अच्छी तरह से इसको मैंने चेक किया तो मतलब इसको कीड़े कूड़े नहीं थे, मगर जख्म था इसको काफ़ी अंदर तक, धागा गया हुआ, इसका पेड़ ही फट गया है, कितना बड़ा कट लगा है। अभी मैं सांप कर रहा हूँ, ये भी बेचारा सोच रहा है मैं कहाँ फंस गया आके, सांप तो इंसानों से वैसे भी डरता है। तो हम लोग मतलब बचाने का काम करते हैं, मारते नहीं सांपों को। देखो ये देखो कितना कटा हुआ, देखो मतलब बहुत ही ज्यादा कट गया था जी। इसको अच्छी तरह से साफ करूंगा पहले, जब मैं अरुण से इसको साफ कर रहा हूँ अच्छी तरह से इसको। इसको मैं दो दो चार दिन रखूँगा इसको, तो ठीक करके फिर रिलीज कर दूँगा इसको, कम से कम 4 दिन 5 दिन रखूँगा इसको, छोड़ दूँगा इसको। जब भी ठीक होगा 3 4 दिन में, जो ठीक हो जाएगा तो छोड़ दूँगा इसको मैं। जो मतलब जोड़े में होते हैं ज़्यादा सांप, जिस जोड़े में होता है फिर दूसरा दूसरे को ढूंढता, अलग अलग हो जाएंगे तो एक इसका साथी और भी है। यह मेरी चिमटी आ गई, मैं इसके साथ पकड़ूंगा, इसको साफ करूंगा अच्छी तरह से। अब मैं दवाई लगाऊंगा इसको अच्छी तरह से। अच्छी तरह से देखता हूँ ना जख्म कितना गहरा है, क्या कंडीशन है इसकी, उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट चलता है, उसी हिसाब से कितने दिन रखना है वो मैं मतलब करता हूँ उसका, ठीक ठुक करके तो उसको छोड़ दूँगा। इसको पूरा चेक करना कितने कट लगे, कहाँ कहाँ लगी है, सामने दिख रही है, नीचे हाथ के सेंटर में, दोनों का हाथ के सेंटर में इधर लगी है, दो दो चार जगह इसको लगी हुई है। जे हमारा मतलब लड़का है एक, तो उसको मैंने बोला पकड़ने के लिए, उसने पहली बार हाथ तो हाथ लगाया, ये लड़का बैठा हुआ है तो ये डरता है, बोलता नहीं मैं सांप को हाथ नहीं लगाऊंगा, जहर होता है त्रेन हो जाएगा। मैंने बोला कोई त्रेन श्रेन कुछ नहीं होता यार, मैं केले लगाता हूँ क्या करूँ, केले दवाई लगाता हूँ बहुत बार, में बीड़ी नहीं ना बना सकता हूँ मैं केले, कोई नहीं होता है, बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं तो लड़की हैं वो, उनको थोड़ी बोलूँगा बीड़ी बनाने के लिए, खुद ही बनाता हूँ, जो करना है खुद ही करता हूँ, ये पूरा ट्रीटमेंट मैं खुद ही करूँगा इसका, क्या करना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई होती है, इसके साथ मक्खी वगैरह चींटियाँ हो गई, मकोड़े मकोड़ियाँ कुछ नहीं, मतलब कोई कीड़ा नहीं इसमें ऊपर आएगा, इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी दवाई अच्छी होती है। ये देखो जहर देख सको, देखो देखो देखो, ये देखो इधर भी लगी है, इसको ऊपर काफ़ी रगड़ा हो, नीचे भी है इसको, ये है ना देखो, ये नीचे लगी है, साइड भी लगी है, जान के वो 5 6 जगह से जय जगमी था,
जल्दी 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 के चक्कर में इसको है ना दवाई लगाई अपने घर में लाया जल्दी 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 देख सको देखो दे इसको वगैरह दवाई शवाई लगा दी अभी मैंने इसको। अब इसको पट्टी शट्टी भी करनी है ये है मेरी दवाई एक और आगे ये ट्यूब है मतलब ये भी महंगी दवाई होती है मतलब अच्छी तरह से ये ठीक कर देगी इसको ये ट्यूब है जी मैं लगा रहा हूँ दवाई अंगली के साथ लगा रहा हूँ। तो घर वाले मेरे को हाथ में नहीं लगा देते बर्तनों का खाना खुना भी मेरे को मतलब बोलते नहीं बर्तन के साथ टच ही नहीं होना आप बड़े गंदे हो सांपों को हाथ लगाते हो। मैंने बोला मैं अच्छा काम करता हूँ मतलब इनको बचाने का काम करता हूँ मारता मुरता तो है नहीं। घर वाले गुस्सा करते हैं जी पट्टी कर रहा हूँ अब इसको मैं अच्छी तरह से पट्टी बांध दूंगा इसको मैं अपने पास ही रखूंगा देखता हूँ जब ठीक हो जाएगा तो छोड़ दूंगा इसको। पट्टी कर रहा हूँ अच्छी तरह से इसको पट्टी इस लड़के ने पहली बार पकड़ा वो हाथों से टटोल रहा है उसको बड़ा नाजुक होता है मैंने बोला ये नरम होता है हो गई पट्टी। अब थोड़ी सी पट्टी और बांध के नहीं तो खुल जाएगी ये जो मैंने रख दिया अपने बक्से में इसको मतलब ऑक्सीजन भी आएगा सब कुछ आएगा जालियाँ लगी है दोनों साइड देख सकते हैं अंदर ये मैंने कुंडी रखी है डोगरी में कुंडी बोलते हैं उखली बोलते हैं इसको वो रखी हुई है तो उसमें पानी शानी डालता हूँ खाना शाना इधर ही दूंगा इसको। ये आ गया मैं फिर से आ गया हूँ पट्टी शट्टी करने आज मतलब दवाई शवाई लगाएंगे जी अब थोड़ा ठीक हो गया देखो कितना कटा था देख सकते कितना कटा है जी। तो ये दूसरा दिन है ये दूसरा दिन आ गया आज तो मैं इसको दवाई लगाऊंगा अब दूसरे दिन फिर से ये थोड़ा ठीक हो चुका है थोड़ा सा ये देखो थोड़ा सा है ना देखो कितना सारा कट गया था दागा ही अंदर वो घुस गया पूरा। ये चाइनीज धागा यूज ही नहीं करना चाहिए मतलब लाना ही नहीं घर में बच्चों को मना करना चाहिए। कितने लोगों के गले वगैरह कटते हैं तो कितने लोग मतलब जानवर भी कितने मरते हैं उसके साथ। ये चाइनीज धागा मत लाइए घर में कृपा करिए तो बच्चों को भी समझाना चाहिए मतलब बड़े बोलेंगे बच्चों को तभी तो मानेंगे बच्चे। गवर्नमेंट बोलती है बंद करेंगे मगर बंद करती है नहीं खाली ऐसे बोलते हैं उनको मतलब एक्शन लेना चाहिए उनके दुकानदारों के ऊपर जो चाइनीज डोर बेचते हैं कितने जानवर मर जाते हैं उससे। देखो इसको साफ किया ना अच्छी तरह से इसको साफ करूंगा इसमें बिल्कुल जहर नहीं होता है ये ऐसा सांप है जैसे मैंने ये पकड़ा हुआ हाथ में और कोई सांप होता मैं ऐसे थोड़ी पकड़ता हूँ जैसे ये इसको पकड़ा हुआ है ये ढीला सा हाथ में काट भी लेगा कुछ नहीं होगा मेरे को मतलब किसी को भी नहीं कुछ नहीं होता है मगर जहरीली चीज़ें खाता है तो इसलिए टैंडिस का टीका लगा लेना चाहिए चानी वाला हम टीका बोलते हैं डोगरी में तो उसको टैंडिस का टीका लगा लेना चाहिए तो मगर एक्शन होने का डर रहता है और कुछ नहीं जहरीली चीज़ें खाता है तो ये हो गया तीसरा दिन। ये मैंने छत पे रखा हुआ था धूप थी अच्छी खासी तो मैंने छत पे रखा दवाई लगा रहा हूँ उसको छत के ऊपर ही इसको धूप में रखा हुआ है तो उसका घर बनाया हुआ पीछे तो देख सकते हो आप शाम जे देखो कितना नाच रहा है उधर भागने की फ्राक में अभी अब ठीक हो चुका है काफ़ी मतलब छोड़ सकते हैं कोई टेंशन नहीं इसको। देखो कैसे बल मार रहा है मेरे को ये काम भी नहीं करने दे रहा है मेरे को अब फुर्तीला हो गया ना बहुत ज़्यादा
तेरे मुंडी बाल क्या ऐ तू है लस्सी वाला पा वो देखो मैंने चूहा भी रखा है अंदर वो रखा है इसके घर बनाया हुआ इसके लिए हमने बनाया एक बॉक्स बनाया हुआ बहुत बड़ा उसके अंदर चूहा घूम रहा है उसको मैंने चूहे डाले थे दो तीन छोटे छोटे चूहे थे बड़ा चूहा नहीं मतलब छोटे छोटे वो घूम रहा है जाली के ऊपर बॉक्स में देख रहे जाली है लगी है तो उसके ऊपर चूहे रखे थे इसके खाने के लिए मगर इसने खाया ऐसी बात नहीं इसने चूहे ही खाए दो तीन खा गया जे फिर से मैंने डाले थे चूहे ये क्या खाता है इसको कुछ खाने के लिए चाहिए ना जी मेरी बेटी बना रही है वीडियो मुझे बहुत ही बातें करती है एक छोटी सी लड़की है 5-6 साल की है 6 साल की होगी 6 साल की होगी 6-7 साल की बस इसके ऊपर नहीं 6-7 साल की लड़की है ये और बातें बहुत करती है ये मैंने दवाई शवाई लगा दी इसको मगर इनको बचाने का काम करिए हम आगे रिलीज करने इसको फॉरेस्ट मतलब हमारे इधर से मैंने पकड़ा था जी घूमता रहता है तो मैंने खेतों में दूसरा सांप भी होता तो मैंने खेतों में छोड़ दिया है मतलब ये बिना जहर वाला है इसमें कोई जहर नहीं होता है इनको मत मारिए कृपा करिए इनको बचाने का काम करिए मतलब खेतों में चूहे होते हैं वगैरह शिकारा जी खाते हैं नहीं तो चूहे कितने सारे हो जाएंगे फसल ख़राब कर देंगे इसलिए हर भगवान ने हर एक चीज़ का अंत बनाया हुआ है ऐसी बात नहीं है ये फसल ख़राब नहीं हो जाती है लोगों की देखो मैंने खेत में इसको छोड़ दिया अपने इधर ये जा रहा है अभी घास में घुस रहा है दिख रहे हैं क्या यार इधर दिखेगा अभी जा रहा है ये है ना इसके घास के अंदर दिख नहीं रहा अभी दिखेगा ये इधर आ गया ये कहाँ गया ये जा रहा है इसको मैंने फिर से उठा लिया ना ये अभी जाएगा जा लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब मेरे चैनल कीजिए।